नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ मोहन शर्मा। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सरकार द्वारा चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों ने पीपीई किट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रही पीपीई किट इतनी ज़्यादा मोटी है कि इसको पहनने के कुछ ही देर बाद कर्मी बेहोश होने लगते हैं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे 108 एम्बुलेंस कर्मी अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई पीपीआई किट की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए किट को बदलने की बात कही है। कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मी एवं एम्बुलेंस चालकों को सुरक्षा के लिहाज से पीपीआई किट दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई पीपीआई किट स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुसीबत का कारण बन रही है और इस किट के पहनने से स्वास्थ्य कर्मी आए दिन बेहोश होकर बीमार हो रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो किट पहनने को दी गई है उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा मोटी है, जिसे कोई भी व्यक्ति 5 मिनट पहन नहीं सकता, लेकिन कोविड-19 के चलते ये किट दिन भर पहन कर मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। कई बार एम्बुलेंस कर्मी इसकी वजह से बेहोश भी हो चुके हैं। बस सर, यही मैं डीएम साहब के यहाँ आज इसलिए आया हूँ, ये ज्ञापन देने आया हूँ कि इस पीपी किट की जो गुणवत्ता है वो बहुत मोटी है और मैं यही चाहूँगा कि सर इस पीपी किट के साथ हम कार्य कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे आलाधिकारियों को काफ़ी द्वारा सूचित भी किया गया है और उनको ज्ञापन दिया गया है। जैसे हमारे मिस्टर जिलाधिकारी जो हैं, मिस्टर अजय सिंह जी हैं, उनको ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने अपने आलाधिकारियों को बताया और इस संज्ञान में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या परेशानी होती है पीपी किट? हालांकि उत्तर प्रदेश में पीपीई किट के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने वाला है ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई जनपदों से पीपीई किट पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर, अधिक जानकारी के लिए चलते हैं मथुरा, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मनोहर पटेल। मनोहर, क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर यहाँ पे डीएम कार्यालय पे ये लोग शिकायत करने पहुंचे? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 108 एम्बुलेंस के जो चालक है, जो उनका संगठन है, उनके जो प्रवक्ता है, वो शिकायत करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि मथुरा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो किट सौंपी गई है इनको कोरोना वायरस बचने के लिए, वो किट बताया जा रहा है कि ये जो किट है वो कहीं ना कहीं तिरपाल से या फिर ये जो खाद इकट्ठे आते उस वस्तु से बनी हुई है और जिसकी वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ देर पहनने के बाद ही भारी तेज गर्मी लगती है, कई बार ये लोग बेहोश भी हो चुके हैं। जी, तो अभी इन्होंने डीएम को शिकायत दी है या ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन इनको मिला है जिलाधिकारी मथुरा की तरफ से? बात करें तो ये पहले भी जिलाधिकारी महोदय से शिकायत कर चुके हैं और इस बार भी इन्होंने शिकायत किया, लेकिन किसी की कानों पर जू तक नहीं रह रही है। जी, जिस तरीके से कोरोना वायरस में इतने टाइम से ये लोग अपनी एक अहम रोल अदा करते हुए आ रहे हैं, तो क्या ऐसे दौर में इन लोगों के साथ इस तरीके की जाति करना सही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा बताया गया है, जो कि आकाश दुबे है उनके प्रवक्ता है, उन्होंने बताया था कि कुछ दिन पहले दो कोरोना पेशेंटों को लेकर के आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ऐसे में सवाल यह बड़ा खड़ा होता है कि अगर ड्राइवर की अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो कहीं ना कहीं 4 से 5 लोग एम्बुलेंस में सवार होते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर इस खबर पे, हमारी इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में यह कोई पहला मामला नहीं था पीपीई किट की सवालिया निशान खड़े करने पर। कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर के लिए और आगे देखते रहिए हिंद भारत।